हेलो फ्रेंड्स, रेसिपी फॉर बिगनर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे अलसी के लड्डू। अलसी के अनेकों फायदे हैं। इसके रोजाना सेवन से कई सारी बीमारियां दूर होती हैं, शरीर में ताकत आती है, जोड़ों के दर्द कमर दर्द से राहत मिलती है। अलसी के लड्डू बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा किलो अलसी लिया है। अलसी को इंग्लिश में फ्लैक्स सीड, कहीं कहीं इसे तीसी भी कहा जाता है। 200 ग्राम मखाना और मिक्स ड्राई फ्रूट 100-100 ग्राम ले लें। आधा केजी गेहूं का आटा, 100 ग्राम सौंठ, थोड़ी सी हल्दी। कढ़ाई गर्म कर लें और थोड़ी थोड़ी अलसी हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भून लें। भुनने के बाद अलसी के बीज फूल जाएंगे। कढ़ाई में घी डाल के ड्राई फ्रूट्स को भून लें। किशमिश को भूनने की ज़रूरत नहीं। मखाना को कुरकुरा होने तक भून लें। कढ़ाई में घी डाल लें। घी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो गेहूं का आटा डाल लें और उसे धीमी आंच पर चलाते हुए भून लें। जब गेहूं का आटा अच्छी तरह से भून जाए तो उसमें 3-4 चम्मच हल्दी डाल लें और उसे भी चलाकर भून लें। 100 ग्राम सौंठ डाल लें और उसे भी थोड़ा सा भून लें। देखिए, अब हमारा सारा सामग्री भून चुका है। मखाना, ड्राई फ्रूट्स, अलसी के बीज, इन सभी को अच्छी तरह से ठंडा कर लें। अब हमें लड्डू बनाने के लिए चाशनी बनानी है। इसके लिए हम कढ़ाई में 1-1.5 कटोरी पानी डाल लेंगे और उसमें 1 किलो गुड़ डाल लेंगे और गुड़ को अच्छी तरह से पकने देंगे। जब तक हमारी चाशनी पक रही है तब तक हम अलसी के बीजों को मिक्सी में डालकर बारीक पीस लेंगे। मखाने को थोड़ा दरदरा ही पीसेंगे। ड्राई फ्रूट्स को भी दरदरा पीस लेंगे। मखाना, अलसी, ड्राई फ्रूट सभी को पीसने के बाद भुने हुए गेहूं के आटे में डाल देंगे। किशमिश डाल देंगे और अच्छी तरह से सभी सामग्रियों को मिला लेंगे। अब हमारी गुड़ की चाशनी भी पक चुकी है। इसे बस गाढ़ा होने तक पकाना है। एक प्लेट में डालकर देख लें और हाथों से छू कर देख लें कि अगर ये चिपचिपा है तो हमारा चाशनी तैयार हो चुका है। चाशनी को मिश्रण में डाल दें और अच्छी तरह से मिलाएं। जब ये हल्का गर्म रहे तो हाथों से अच्छी तरह से इसे मिला लें। चाशनी और मिश्रण जब अच्छी तरह से मिल जाए और हल्का गर्म रहे तभी इसे गोल गोल लड्डुओं का आकार दे दें। मिश्रण जब हल्का गर्म रहे तभी सारे लड्डुओं को बना लें। बाद में ये ठंडा हो जाएगा तो बनेगा नहीं। लड्डू जब बन जाए तो इसे ठंडा करके डिब्बे में रख लें। 5-6 महीने ये लड्डू आराम से चल जाएगी, ख़राब नहीं होगी। रोज़ सुबह 1 लड्डू खाएं और सेहतमंद रहें। अगर आपको हमारा ये अलसी के लड्डू का रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें।